एक ऐसी जगह जहां कुत्ते कर लेते हैं आत्महत्या। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह के बारे में जो कुत्तों के लिए श्रापित मानी जाती है और आज तक कितने ही कुत्तों ने इस जगह से की है आत्महत्या। आपको पहले सुनकर यकीन नहीं होगा लेकिन यह सच है। स्कॉटलैंड के ओवरटन ब्रिज से अभी तक 50 से भी ज्यादा कुत्तों ने कूदकर अपनी जान दे दी। यह सिलसिला सबसे पहले सन 1995 में चर्चा में आया जब स्कॉटलैंड के यूजीन होगन अपने 5 साल के लेबराडोर कुत्ते को टहलाने के लिए इस ब्रिज के ऊपर से निकल रहे थे। तभी उनके सामने देखते ही देखते उनके कुत्ते ने इसी पुल के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। यह घटना चर्चा में आने के बाद और भी बहुत से लोगों ने बताया कि कैसे उनके कुत्ते इस पुल से कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। साल 1995 के बाद और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जिनमें कुत्तों ने इसी ब्रिज के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली या फिर आत्महत्या करने की कोशिश की और मजबूरन वहां की गवर्नमेंट को ब्रिज शुरू होने से पहले एक चेतावनी का साइन बोर्ड भी लगाना पड़ा। बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह ब्रिज कुत्तों के लिए श्रापित है और दुनिया भर में यह ब्रिज चर्चा का विषय बना रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कुत्तों का यह असामान्य बर्ताव का कारण उनकी कमजोर दृष्टि एक वजह हो सकती है जिसके चलते उन्हें साफ साफ दिखाई नहीं देता, और वही कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उनकी तेज सूंघने की शक्ति की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर लोकल की मानी जाए तो दुनिया भर के पुल और अन्य जगहों को छोड़कर सिर्फ इसी पुल पर से कूदकर कुत्ते जान क्यों दे देते हैं, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। वहीं कुछ लोगों ने यह भी बताया कि इस पुल पर जाते ही उनके कुत्तों में एक अलग ही तरह का भय महसूस किया है या फिर उनके कुत्तों का बर्ताव एकदम से अलग हो जाता है। फिलहाल इस ओवरटन ब्रिज का रहस्य तो कोई नहीं सुलझा पाया लेकिन इतना जरूर है कि यह कुत्तों के लिए किसी भूतिया जगह से कम नहीं है। तो दोस्तों, आप इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं और आपका क्या मानना है यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद, शुक्रिया।